हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक फैंटेसी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये वीवो मोबाइल क्या है दोस्तों, चार्जिंग की प्रॉब्लम है। देखिए मोबाइल चालू है, ठीक है जी, तो चार्ज रखने पर ये मोबाइल जो है चार्ज नहीं हो रहा है। तो देखिए किसी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं है, चार्ज नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों। तो चलिए हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से ओपन करना है, देखिए यहाँ पे एक लकीर होगी, इसकी बैक पैनल को पहले हम ओपन करेंगे इस तरह से। यहाँ दो स्क्रूज होते हैं दोस्तों, जो कि अभी मिसिंग है, यहाँ पे स्क्रूज जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो हम इसको डायरेक्टली ओपन कर देंगे, ठीक है जी। तो मैं ओपनर की मदद से करता हूँ क्योंकि मेरे नाखून नहीं है। तो ये देखिए, सिम ट्रे भी निकाल लेना दोस्तों, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे जो है कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसको, अरे यार मैं तो मोबाइल को ऑफ करना ही भूल गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मोबाइल ऑफ हो या ना हो इससे कोई परवाह नहीं होती है। इसको निकाल दिया, हमें तो चार्जिंग पिन बदलना है ना। तो ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ स्क्रूज लगे हुए हैं, तो सारे स्क्रूज को हम निकाल देंगे। अभी के मोबाइल्स में जो है ना दोस्तों, हमें दो दो सेक्शंस मिलते हैं, चार्जिंग, नेटवर्किंग और माइक स्पीकर के लिए नीचे का सेक्शन होता है और ऊपर मेन मदरबोर्ड होता है। तो ये एक अच्छी बात है, पहले देख सकते थे आप बहुत सारे मोबाइल्स में एक ही मदरबोर्ड होता था और उसी में चार्जिंग पिन सब कुछ जो है उसी में होता है। इसमें क्या होता है, अभी अगर मान लो कि चार्जिंग के ट्रैक्स ख़राब है तो आप बोर्ड को ही बदल सकते हो बहुत ही आसानी से बिना कोई तकलीफ के। कुछ जो मैकेनिक भाई को रिपेयर नहीं करना आता है तो वो बोर्ड भी बदल कर अपना काम चला सकते हैं, लेकिन रिपेयर करना अच्छी बात है दोस्तों। देखिए तो आप देख सकते हैं, शायद पता नहीं चल रहा है भाई, ये देखिए ये सारे पिन जो है शाइन कर रहे हैं और यहाँ पे ये वाटर लॉक है दोस्तों, तो इसीलिए से इसी के कारण ये चार्जिंग नहीं हो पा रहा है। तो एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो अभी तो मोबाइल को ऑफ करना पड़ेगा। तो ये पावर बटन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो कस्टमर जितना बताया है उतना ही हम रिपेयर करेंगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हर काम का पैसा लगता है। तो शायद आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कैमरा जो भड़वागिरी कर रहा है मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ये देखिए ये सारे पिन एक तरह शाइनिंग दे रहे हैं और ये देखिए वाटर लॉक है ये पिन। तो ये ग्राउंड है दोस्तों, माइनस है और ये प्लस है स्टार्टिंग की पिन। अगर आप मेरे क्लासेस देखते हैं रेगुलरली मोबाइल सर्विसिंग के, तो आपको पता चलेगा कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। राइट हैंड साइड वाला हमेशा प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है माइनस होता है, ठीक है जी। तो ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, कुछ मोबाइल्स होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लस होता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। ये नॉर्मल जो है राइट हैंड साइड वाला प्लस और लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस होता है। तो इसको हम पिन, इसको अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पिन सही है या नहीं है, किस तरह से चेक किया जाता है मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो इसके लिए ना दोस्तों हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं डीसी वोल्ट रेंज 20 पे सेट कर लेना है इसको, और उसके बाद चार्जर को ऑन में रख के चार्जर को जो है प्लग करना है इसमें, और प्लग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये जो पांच लेग्स दिखते हैं हमें चार्जिंग कनेक्टर के पीछे की तरफ, तो इन पाँच लेग्स पे जो पहला वाला ये लेग है
इसके ऊपर प्लस को रखेंगे या माइनस को भी रख लो, आपकी मर्जी। और ये ग्राउंड है तो इस पर मैं इस तरह से रखता हूँ। तो ये देखिए, ये प्लस हो गया या माइनस, तो देखिए ये ठीक से है, लेकिन यहाँ वाटर लॉक होने की वजह से शायद ये चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन चार्जिंग कनेक्टर ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, इसको थोड़ा आईपीएस सॉल्यूशन लेंगे। आईपीएस सॉल्यूशन मतलब क्लीनर होता है, थिनर बोलो, आईपीएस सॉल्यूशन बोलो, आपकी मर्जी। तो इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइक है, तो यहाँ पे चार्जिंग करने का ध्यान रखिएगा, कभी भी माइक के ऊपर जो है किसी भी तरीके का सॉल्यूशन या हीट नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी बहुत गया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा जाने से क्या है, माइक भी ख़राब हो सकता है अपना। तो हमें इसको क्लीन कर लेना है इधर की मदद से, हमने थोड़ा इसको क्लीन कर लिया है। और इसके अंदर भी शायद पानी जाने के चांसेस है, तो इसके अंदर भी मैं ऐसे पानी डाल के इसको भी थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो इसको भी थोड़ा क्लीन कर लिया और ब्रश मार देते हैं। और इसको थोड़ा हम हीट करते हैं ब्लोअर की मदद से, हॉट एयर गन जिसे कहते हैं हम, सॉल्डरिंग रिवर्क स्टेशन कहते हैं। तो उसकी मदद से इसको थोड़ा हीट कर दे, क्योंकि जब आईपीएस सॉल्यूशन आप डालते हो तो उसकी नमी जो है इसमें होती है, तो नमी को हम हटाने के लिए इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। तो अभी ये ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं इसको वापस से लगाऊँगा और देखूँगा कि ये चलता है या नहीं है। चार्जिंग तो होना चाहिए, अगर चार्जिंग अभी भी नहीं होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, तो ऐसे नहीं है कि ये ऐसे इंडिकेशन दिखा रहा है और आप समझ जाओ कि चार्ज हो रहा है, नहीं ये गलत है, आपको ऑन करके भी देखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जब पावर सप्लाई होती है फ़ोन में, जब हम यहाँ से चार्जिंग से पावर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन दिखाता है, लेकिन चार्जिंग सेव नहीं होता है, ठीक है जी। तो चार्जिंग सेव ना होने का कारण जो है यहाँ ये पत्ती जो होती है, ये पत्ती भी हो सकती है और चार्जिंग कनेक्टर भी हो सकता है, चार्जिंग आईसी भी हो सकती है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ होने में वक्त लगा रहा है, पता नहीं इतना बूट टाइम क्यों लेते हैं मोबाइल। तो अभी देखिए दोस्तों, अरे यार ये कैमरा जो है ना दोस्तों मोबाइल का एकदम बकवास है दोस्तों, Redmi Note 5 Pro का ये साला भड़वा कैमरा, ठीक तरीके से जो है क्या करते हैं फोकस नहीं करता है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है, शायद आपको दिख रहा है, सॉरी यार, हेलो ना बाओ ना रहा भाई। कभी भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो कोई ना कोई कस्टमर आता है या फिर जान पहचान का बंदा आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये
इंडिकेशन तो आपको दिख रहा होगा, देखिए बारीकी दिख रहा है, ये फोकस नहीं कर पा रहा है, क्या बताएं अभी। देखिए बैटरी का जो इंडिकेशन यहाँ आपको चार्जिंग का इंडिकेशन दिख रहा होगा, तो ये जो है सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। इसको जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि वाटर लॉक है क्या है। तो चेक करने का तरीका, अगर आपको पता नहीं है कि कोई भी अगर चार्जिंग का फॉल्ट आता है तो उसको चेक करने का तरीका, पूरी डिटेल वीडियो जो है मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना के रखी है चार्जिंग के मोबाइल सर्विसिंग के नाम से, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि मोबाइल अगर फॉल्ट आता है तो उसको किस तरह से हम चेक करते हैं, उसके चार्जिंग कनेक्टर को किस तरह से चेक करते हैं, वो सभी जो है उसमें आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से जो है इसका फॉल्ट को जो हमने सॉल्यूशन कर दिया है बस ब्रश से क्लीन करके, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप भी चेक करना सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट क्या है, बस आपको चेक करना आना चाहिए दोस्तों। मल्टीमीटर को किस तरह से यूज़ करें इसके बारे में मैंने क्लासेस दी रखी है, तो आप डिटेल वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है, इसी चैनल पे जो है आपको उसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर इसके लिंक्स जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या ऊपर आई वाले बटन पे भी आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।